गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे ना सभी? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6B के नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है आपके पास? 2a² b मल्टीप्लाई है माइनस के 5a² c मल्टीप्लाई 6bc², ठीक है। ये आपके पास देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मल्टीप्लाई है कॉन्स्टेंट के उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्या है, 2 - 5 और -6, यानी कि 2 - 5 - 6 इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ओके, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है मुझे a² इसमें a नहीं है तो जो बेस सेम है ना, वेरिएबल सेम है, उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। a की पावर कितनी है, 2, a की पावर कितनी यहाँ पे 1, a की पावर और तो नहीं है ना कोई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2 + 1 कितना हो गया मेरे पास, a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर कितनी है, 1, b की पावर कितनी है, 2, b की पावर कितनी है, 1, 1, 2, 3, 3 और 1, 4 तो यहाँ क्या जाएगा, b की पावर 4। यहाँ c है, c की पावर कुछ नहीं है, यहाँ पे c की पावर 1 है, c की पावर 2 है, तो c की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। ओके, अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 5 × 2 = 10, 10 × 6 = 60, तो ये क्या जाएगा, प्लस का 60 बचेगा मेरे पास, a³ b³ c³, ये आपका आंसर, ये a है आपका, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में से मैं 15 वाला करवा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है आपके पास, -2/7 u⁴ v, ओके, मल्टीप्लाई -14/5 u³, आगे है मल्टीप्लाई -3/4 u² v³, ये आपके पास, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। हाँ देखो क्या है करना है इसमें, -2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट है ना उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, -2/7 मल्टीप्लाई -14/5 मल्टीप्लाई -3/4, ठीक है, 4 ऐसे लिखेंगे। ओके, अब क्या करना है, वेरिएबल की मल्टीप्लाई करनी है, u कहाँ पे है, ये रहा u और v, दो वेरिएबल है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम u का वाले देखेंगे, u की पावर कितनी है यहाँ पे, 4 है, u की कितनी पावर यहाँ पे, 1 है, u की पावर कितनी यहाँ पे, 2 है, तो पावर ऐड कर दो, 2 + 1 = 3, 3 + 4 कितना हो गया, 7, v की पावर कितनी है, 1, v की पावर कितनी है, 3, v की पावर कितनी है, 3, तो 3 = 6, 6 + 1 = 7, तो v की पावर कितनी होगी मेरे पास, 7। ओके, अब इनको सोल्व करेंगे, देखो कैसे कैंसिल हो रहे हैं, हाँ ये कैंसिल हो रहे हैं, 7 × 2 = 14 माइनस का है ना, तो माइनस का रहेगा, और 2 × 2 = 4 2 × 2 = 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा मेरे पास, पहले देखो साइन किसका आएगा, माइनस माइनस माइनस, 3 times माइनस है, तो आंसर किस में आता है, माइनस में, तो 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, 14 कैंसिल हो, 2 कैंसिल हो, ऊपर क्या बचा, 3, तो ये आ गया 3, नीचे 7 कैंसिल हो चुका है, 5 बचा हुआ है, 4 2 कैंसिल हो चुके हैं, तो बचेगा -3/5 u⁴ v⁴ ये आपका आंसर। ओके, आई बात समझ में, कोई डाउट हो तो पूछना। आगे है हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16
17, ये आपको करने क्वेश्चन नंबर 17 तक, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, या फिर मैं क्वेश्चन नंबर 17 करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, या अगर सन में रफ कर दें इसको, रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन 16 आप खुद करेंगे, ठीक है। 4/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड मल्टीप्लाई है किसके साथ, 1/3 वाई स्क्वायर जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई है माइनस के 6xyz स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाले टर्म्स की मल्टीप्लाई, 4/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई माइनस के 6, ओके। अब एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स, ठीक है, बस यही है ना, हाँ यही है। एक्स पावर कितनी है, 2। एक्स पावर कितनी है, 1। एक्स पावर कितनी है, 1। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कितनी होगी, 4। तो एक्स की पावर कितनी होगी मेरे पास, 4, ओके। y की पावर कितनी है, 1। y की पावर 2, y की पावर 1। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, यानी कि y की पावर 4। z देखो, अब z की पावर 1, z की पावर 1, z की पावर 2, z की पावर 4 हो गई ये भी, ठीक है। अभी कैंसिल हो रहे हैं, हाँ कैंसिल हो रहे हैं, 3 2 जा 6, और कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, माइनस 8 डिवाइड बाई 3, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 4, जेड की पावर 4, ये आपका आंसर, ठीक है। आई वास्तव में क्वेश्चन नंबर 17 में आए, आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई माइनस के 2/3 ए स्क्वायर बी बाई, यानी मल्टीप्लाई करनी है हमें क्या, माइनस के 2/3 ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 6/5 की ए क्यूब बी स्क्वायर, यानी कि इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो इनकी सबकी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट वाले के टर्म्स की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि माइनस के 2/3 मल्टीप्लाई 6/5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यहाँ पे एक क्यूब है, ए की पावर 2, ए की पावर 3, तो ऐड हो जाएंगे, ए की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास, 5। बी की पावर 1, बी की पावर 2, तो कितने, बी की पावर 3, ये कैंसिल हो रहे हैं, हाँ कैंसिल हो रहे, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि माइनस के 4/5 ए की पावर 5 बी की पावर 3, ठीक है, ये आपका आंसर। आगे क्या दे रखा है, एंड वेरीफाई योर रिजल्ट्स फॉर ए इजल टू 2, बी इजल टू 3, यानी अब क्या दे दिया, ए की वैल्यू दे दी आपके पास 2 और बी की वैल्यू क्या दे दी, 3। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम, माइनस के 4/5, ठीक है, 4/5 ए की पावर 5, ए की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 5, बी की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 3, ठीक है। आई वास्तव में इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में इधर, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस के 4/5 है मल्टीप्लाई 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, 5 टाइम्स, तो 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 यानी कि 3 बार गुणा, 1 2 3, ठीक है, ओके। अब मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो माइनस के 4/5 मल्टीप्लाई 32, ये मल्टीप्लाई करनी है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ क्या जाएगा मेरे पास, 27। अब इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई आपको करें, ठीक है, मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं इन सब की, ओके, सोल्व कर लोगे इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, फिर x वैल्यू 3 और y वैल्यू 2, ऐसे ही सोल्व करना है, सिंपल ही है क्वेश्चन नंबर 19 भी, ओके।
आगे क्वेश्चन नंबर 20 करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है आपके पास, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.3 ए, मल्टीप्लाई करनी है आपको, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, मल्टीप्लाई करनी है 2.3 ए की पावर 5 बी की पावर 2, मल्टीप्लाई करनी है आपको के 1.2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये है आपके पास, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करो, ये है 2 पॉइंट है ये, ओके। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.3 मल्टीप्लाई 1.2 की, ए की पावर 5 है, ए की पावर 2 है, तो ए की पावर कितना हो जाएगी मेरे पास 7, बी की पावर 2 है, बी की पावर 2 है तो बी की पावर 4, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या इसको हम ले सकते हैं 23/10 मल्टीप्लाई 12/10, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इनकी, 23 की मल्टीप्लाई 12 के साथ, 12 3 36 कैरी 3, 12 2 24 24 + 3 27, तो कितना आया 276, तो 276 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 100 इजिकल टू ए की पावर 7 बी की पावर 4, ठीक है। तो ये कह जाएगा मेरे पास 2.76 इजिकल, सॉरी इक्वल कंसान नहीं है, मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2.76 ए की पावर 7 बी की पावर 4, ये आपका आंसर, ठीक है। आई बात समझ में, आगे हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 भी ऐसे ही करना आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 की और 20 की, तो 8 और 20 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 160, माइनस माइनस कर जाएंगे प्लस, यू की पावर 2 है, यू की पावर 1 है, तो यू की पावर कितनी हो जाएगी 3 और वी की पावर कितनी 6 और वी की पावर 7, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 सेम ही है, इसमें देखो अब दे रखा है जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखा था, ए की पावर, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0.5 है, ये वैल्यू पुट करेंगे अब इसमें हम, ठीक है। ए की वैल्यू क्या दे दी इसने, ए की वैल्यू क्या दे दी 1, ए की वैल्यू क्या दे दी 1 और बी की वैल्यू 0.5, बी की वैल्यू 0.5, ओके। अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 2.76, ठीक है, मल्टीप्लाई ए की पावर यानी कि 1 की पावर 7 मल्टीप्लाई 0.5 की पावर 4, ये है, ठीक है। तो 2.76 है ना, तो 2 इसको लिखे 276 डिवाइड बाय 100, ओके, मल्टीप्लाई 1 की पावर 7, 1 की पावर कितनी भी हो, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 0.5 की पावर 4, इसका इसको 0.5 को लिख सकता मैं, 0.5 किसके इक्वल होता है 5/10, है ना, 5/10 के इक्वल होता है, तो इसको लिख दोगे आप 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाएगा ये, ओके। अब आगे देखो मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 5 5 25 25 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा 625, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5/100 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, तो वाई 2 3 4, ठीक है, ये होगा आपके पास। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई की बजाय हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, आप एक इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे, एक तो ये तरीका है आपका, और दूसरा तरीका एक बार सोल्व करके देखते हैं इसको कैंसिल करके, यदि कैंसिल हो रहे हैं तो देखो क्या होगा, ये 5 2 10 है ना, 5 2 10 हो गया ना ये, फिर ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 बन जा
टू, टू मंजा टू, कितना बचेगा मेरे पास, सेवन है ना, सेवन टू थ्री जा सिक्स, टू एट जा थर्टी, सॉरी टू एट जा सिक्सटीन, ओके। फिर ये फाइव टू जा टेन, फिर मैं टू से कैंसिल कर रहा हूँ इसको, टू सिक्स जा ट्वेल्व, कितना बच गया वन नाइन पे, तो क्या जाना है सिक्सटी नाइन। क्या ये और भी कैंसिल हो रहा है, नहीं और कैंसिल नहीं हो रहा, ओके। तब 69 बच गया मेरे पास, 69 मल्टीप्लाई करनी है 5 5 20 5 के साथ, डिवाइड में कर देगा 100 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लें यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, देखो 25 9 जा कितने होते हैं 225, तो 225 में 5 ऐसा का कैरी कितनी बचेगी मेरे पास 22, 25 6 जा कितना होते हैं 150 में 22 ऐड कर दो, कितना बचेगा 271, तो कितना 172, ये इसकी मल्टीप्लाई आ गई, डिवाइड में 1 2 3 4, ये आपका ये डिवाइड में, आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो क्या जाएगा 0.1725, ये आपका आंसर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। आइए क्वेश्चन में आगे है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 भी ऐसे ही करना आपको, ओके।